रात भर नींद नहीं आई। सुबह ही आंख लगी इसलिए उठने में देर हो गई। प्रज्ञा दीदी बुला रही है तुझे। आई दादी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। तो आगे बेटा, अब तबीयत ठीक है ना? जी। चला आजा बैठ जा। दादी ये दूध बहुत गर्म है, मैं थोड़ा ठंडा करके ले आती हूँ। कोई बात नहीं, हो जाएगा ना ठंडा। सैंडविच भी सख्त है आज, मैं दूसरा ले आती हूँ दादी। अरे दादी, मैं सोच रहा था कि काफी टाइम से आप लोग घूमने कहीं नहीं गए। अगर आप लोगों को कहीं जाना है तो। मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ, अगर तू और प्रज्ञा जाएंगे तो मैं भी साथ चली जाऊंगी। ला बेटा ला, अब इसकी तो मुझे इतनी आदत हो गई है कि इसके बगैर मैं रह ही नहीं सकती। चल बैठ। नहीं दादी, मैं वो बाद में। नहीं बैठ बेटा, तू तो इधर आ बैठ। चल बैठ मेरे पास। हाँ बेटा, जरा दही पास करना। जी दादी। दादी ये गर्मा गर्म। ये वीडियो नहीं, ये झूठ है। ये नहीं हो सकता। प्रज्ञा मेरी बहू, मेरे घर की इज्जत। मेरा भरोसा। दीदी, दीदी, दादी क्या हो गया आपको? दादी पानी लेकर आओ, पानी। दादी आंखें खोलिए। दादी, दादी आंखें खोलिए। हुआ क्या दादी को? भाई, भाई देखो ना दादी को क्या हो गया। भाई दादी, 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 दादी आंखें खोलो। दादी, दादी आपका अभी आ गया। दादी, दादी मैं अभी। भाई दादी को क्या हो गया? देखो ना, कुछ बोल के नहीं। आलिया क्या हो गया दादी को? दादी, दादी। आलिया दादी की सांस नहीं चल रही है। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। दादी भाई सांस ले रही है। आई थिंक शी इज अनकॉन्शियस। मैं रूम में ले जाती हूँ और आकाश डॉक्टर को बुला। डॉक्टर जी मैं आकाश बोल रहा हूँ। दादी आंखें खोलो। दादी, दादी को उठाओ। दादी उठाओ, दादी उठाओ। मेरी दादी को क्या हो गया? डॉक्टर प्लीज इन्हें बचा लीजिए, इन्हें कुछ नहीं हो जाए। डॉक्टर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी दादी को ठीक कर लीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, लेट मी चेक। बेटा हमें उस इंसान को ढूंढना चाहिए ना जिसने दीदी को वीडियो भेजा था। तासी जिसने ये वीडियो भेजा उसके साथ ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि उस वीडियो में क्या है ना तासी। आज उस प्रज्ञा की वजह से मेरी दादी की हालत हुई है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा तासी। उसने मुझे नहीं, मेरी दादी को धोखा दिया। मुझसे ज्यादा तकलीफ उसने दादी को पहुंचाई। वो दादी जिसने मेरी मॉम डैड की डेथ के बाद मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने मुझे जिंदगी दी और आज खुद अपनी जिंदगी के लिए वो। मेरी दादी मेरे लिए सब कुछ है और जिसकी वजह से आज मेरी दादी की हालत हुई ना, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा दादी। क्या मेरी माफी के लायक नहीं है वो। इस घर में रहने के लायक नहीं है। उसे अभी इसी वक्त इस घर से जाना होगा तासी। अरे नहीं नहीं, अभी उसे तो घर के से निकालने की सोचना भी मत। तुम्हें याद नहीं है दीदी ने बेहोश होने से पहले क्या कहा था? मेरी प्रज्ञा ऐसा नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी उन्होंने देखा उसका उन्हें विश्वास नहीं है बेटा। दासी उन्हें विश्वास नहीं है क्योंकि वो विश्वास नहीं करना चाहती। उस वीडियो में जो कुछ भी है उसे छुटलाया भी नहीं जा सकता। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नजरों का धोखा हो। प्रज्ञा का प्यार और भरोसा दादी की आंखों के लिए धोखा है। अब सच्चाई जो भी हो, अभी जब दीदी होश में आएगी और प्रज्ञा से बात करना चाहेंगे तो हम क्या जवाब देंगे दासी? तब का तब देख लेंगे हम। दादी की फोन पर बात करवा लेंगे, लेकिन प्रज्ञा ने जो किया ना उसके बाद उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अभी दादी कैसी है? डॉक्टर चेक कर रहे, अभी तक कुछ बताया नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसे घर से बाहर निकाल दो, पर नहीं देखा एक रात रखने का नतीजा। लेकिन अब मुझे ये पता लगाना है कि वो वीडियो दादी को भेजा किसने। यहाँ क्यों आए? तो दादी के पास कौन? आप प्लीज मुझे बताइए ना कि डॉक्टर आया, क्या कहा उसने? दादी ठीक तो है ना? चुपचाप चलो मेरे साथ। कहाँ ले जाएंगे आप मुझे? मैंने कहा था ना तुमसे कि एक बार डॉक्टर आ जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। मैं खुद चली जाऊंगी। आप मुझे बस एक बार दादी से मिल लेने दीजिए। बस एक मिनट के लिए मिलूंगी, मैं बस देख लूंगी कि वो ठीक है तो मैं खुद चली जाऊंगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।